This image which has been created that if you will vote Congress or if you will vote AAP, then you are neutral, then you are intellectual, then you are unbiased. When suddenly a person becomes a BJP voter, he becomes andhbhakt, he becomes uneducated, everything. You don't speak the truth. You always speak half truth. You only speak truth which will favor your party. I challenge Dhruv Rathi to go on a debate with anyone from the other side. Literally likh ke de sakta hai is baat ko. He will never go on a debate. सच वो मार्गदर्शक है जो समाज को अंधेरे में डूबने से बचाता है। तो दोस्तों देख क्या रहे हो, बोलो जहां भी हो सकता है बोलो। हाँ भाई रुको रुको बोलता हूँ। द थिंग इज जो लोग ध्रुव राठी को न्यूट्रल अनबायस्ड ये चीज मानते हैं उन लोगों को नहीं है पता होगा एंड आई कैन अश्योर यू दैट मोस्ट पीपल डोंट नो दिस थिंग दैट ध्रुव राठी इन 2013 व्हेन आम आदमी पार्टी वाज जस्ट फॉर्म्ड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम उस समय पे ध्रुव राठी वर्कड एज एन एडिटर इन आम आदमी पार्टी। तो 2013 और 14 के समय पे ध्रुव राठी प्रमोशनल वीडियो बनाया करता था आम आदमी पार्टी के लिए एंड ही यूज्ड टू पोस्ट दिस वीडियो ऑन फेसबुक ग्रुप्स। इसके बाद जब 2015 में आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीती थी पहली बार तो उस समय पे ध्रुव राठी मेड ए विक्ट्री सॉन्ग फॉर आम आदमी पार्टी। तो ध्रुव राठी का आम आदमी पार्टी के साथ रिश्ता बहुत पुराना रहा है और जब से इसने वीडियो डालना शुरू किया इट हैज बीन मोर देन आई गेस 10 इयर्स नाउ। इन ऑल दिस 10 इयर्स ही हैज नॉट मेड अ सिंगल वीडियो क्रिटिसाइजिंग आम आदमी पार्टी। आप एक वीडियो आप खोज के दिखा दो जहां पे उसने आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज किया है। ऐसा तो नहीं कि इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत ही चीज नहीं की है, सारी चीज सही कर रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग बट ही हैज नॉट spoken about it एक बार भी। Now, इस चीज में कुछ लोग ये बोलेंगे कि इसमें गलत क्या है एंड द थिंग इज दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सपोर्टिंग ए पार्टी, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू रन ए प्रोपेगेंडा फॉर ए पार्टी। सभी पार्टी करती है। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू प्रोजेक्ट एन इमेज दैट यू आर अनबायस्ड और यू आर न्यूट्रल और यू आर दैट सो कॉल्ड सच्चाई की मूर्ति कि आप जो बोल रहे हो वो तो सच ही सच है जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल बायस्ड हो, अब आम आदमी पार्टी के लिए आप बायस्ड हो और आज के समय जैसा हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है यू सपोर्ट कांग्रेस यू सपोर्ट आम आदमी पार्टी सो there's nothing wrong in that but then don't say and don't play this card that you are neutral, don't say that you are unbiased. No, you are not unbiased, you are biased. You don't speak the truth, you always speak half truth, you only speak truth which will favor your party. Aur iska aapko simple example main aapko iske recent videos mein bhi dikha sakta hu. Abhi iski ek bahut recent video aayi hai, bahut zyada recent hai, jo Arvind Kejriwal ki giraftari ke upar hai. Is video mein aap pehle ye clip dekho ye kya bol rahe hain. Ye azad Bharat ke itihas mein pehli baar hai ki kisi sitting chief minister ko arrest kiya gaya ho aur wo bhi tab jab court mein koi gunah sabit tak nahi hua. Manish Sisodia ko 1 saal se upar hone ko ho raha hai aur Satendra Jain ko तो 2 साल होने को हो रहे हैं जेल में बंद रहे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी का भी गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया के लॉयर ने यही चीज बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाई कोर्ट को कि यहाँ पर कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई सबूत ही नहीं है तो कोर्ट इन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ही इज नॉट स्टेटिंग फैक्ट्स, ही इज जस्ट कोटिंग व्हाट दीस पीपल आर सेइंग। इन लोगों ने ऐसा बोला कि आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है इस स्कैम में, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं और इसी लोगों को ध्रुव राठी कोर्ट कर रहा है। तो चलिए अब मैं आपको फैक्ट्स दिखाता हूँ। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था ये बोलते हुए कि इन लोगों के अगेंस्ट 338 करोड़ का मनी ट्रायल साबित हुआ है, यानी कि इनफ एविडेंस मौजूद है इन लोगों को जेल में अंदर रखने के लिए। बट ये बात ध्रुव राठी आपको नहीं बताएगा। Why he will not say that? Because he is biased. और इस फैक्ट चेक को देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चीज जरूर बोलेंगे, अरे नहीं यार ये ऐसा थोड़ी है यार, ये सच नहीं है, सच वही है जो ध्रुव राठी बोल रहा है। एंड दीज आर द सेम पीपल द सो कॉल्ड सपोर्टर्स ऑफ ध्रुव राठी दे से पीपल ऑन द अदर साइड एज अंधभक्त। दिस इमेज व्हिच हैज बीन क्रिएटेड दैट इफ यू विल वोट कांग्रेस और इफ यू will vote AAP then you are neutral, then you are intellectual, then you are unbiased. When suddenly a person becomes a BJP voter, he becomes andhbhakt, he becomes uneducated, everything. And this is the so-called irony ki maine aapki abhi proof bhi diya hai in logo ko, but iske bavajood bhi ye log is cheez ko believe nahi karenge, is cheez mein manenge nahi. So if you will look this closely, they are the real andhbhakts of Dhruv Rathi. Aur Dhruv Rathi jo ye godi media bolte rehta hai wo sahi cheez ye bolta hai, इसमें मैं उसके डिसएग्री भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज द मोस्ट न्यूज चैनल्स नाउअडेज आर प्रो बीजेपी, इट्स एविडेंट। तो इसमें वो गलत भी नहीं बोलता है। तो गोदी मीडिया तो है बट ध्रुव राठी क्या है? ध्रुव राठी इज ऑल्सो सर्टेन मीडिया। नाउ यू गाइस ओनली टेल व्हाट नेम वी शुड गिव हिम। नाउ इसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में ध्रुव राठी डिक्टेटरशिप के गाने गा रहा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है, इंडिया खतरे में है, इंडिया में डिक्टेटरशिप आने वाली है और उस डिक्टेटर का नाम नरेंद्र मोदी है। नाउ इट इज हिज पर्सनल ओपिनियन सो दैट्स ओके, बट मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। कुछ साल पहले ध्रुव राठी मेड ए वीडियो
वीडियो ऑन हैप्पीनेस इंडेक्स, और उस वीडियो में कैरोलिना गोस्वामी नाम की एक यूट्यूबर ने ध्रुव राठी को फैक्ट चेक किया था। शी क्लियरली प्रूव्ड दैट जो भी चीजें ध्रुव राठी उस वीडियो में बोल रहा था वो गलत चीजें बोल रहा था इंडिया के बारे में। जब कैरोलिना ने वो वीडियो डाला था तो उसके कुछ दिनों के बाद ही द सो कॉल सपोर्टर्स ऑफ ध्रुव राठी, द सो कॉल अंधभक्त ऑफ ध्रुव राठी, दे स्टार्टेड अब्यूजिंग हर, दे स्टार्टेड सेंडिंग हर रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स। उस महिला को लिटरली हैरास किया गया। वी आर बीइंग थ्रेटन्ड एंड इट सीम्स दैट वी आर डीपली इन ट्रबल एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, hoping that the YouTuber ध्रुव राठी will take the necessary steps to stop this situation from getting worse. And ध्रुव राठी was aware of all these things. And then what he did? He did nothing. ध्रुव राठी ने एक बार भी अपने supporters को ये नहीं बोला कि यार मत करो ऐसा, रुक जाओ। ना उसने कभी वो वीडियो को हटाया, ना उसने इस चीज को कभी accept किया है कि he was wrong on that video. The funny part is that आज के समय जो ये ध्रुव राठी ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी का बेसिक फंडामेंटली ये होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब कैरोलिना गोस्वामी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज कर रही थी और जब ध्रुव राठी के द सो कॉल्ड सपोर्टर्स उसे डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स भेज रहे थे, तब ध्रुव राठी कहाँ था? तब उसने उस समय कुछ क्यों नहीं बोला? तब उसने अपने सपोर्टर्स को उस समय शांत रहने के लिए क्यों नहीं बोला? सो लुक द आयरनी ऑफ दिस। और पिछले 10 सालों में ध्रुव राठी ने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें उसने डेटा को गलत तरीके से दिखाया है। और इसके साथ साथ मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि आई चैलेंज ध्रुव राठी टू गो ऑन अ डिबेट विद एनीवन फ्रॉम द अदर साइड। इट कैन बी एनीवन, ही कैन डिबेट विद आनंद रंगनाथन सर आल्सो। नहीं नहीं छोड़ो, रहने दो, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आनंद रंगनाथन सर तो इसे literally, he will just literally thrash him. क्योंकि उस समय पे डिबेट के समय उसके सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी रहेगी जो वो बस पढ़ के बोल देता है, तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बट आई जस्ट लिटरली चैलेंज हिम टू डिबेट विद एनीवन फ्रॉम द अदर साइड एंड आई कैन गारंटी एंड आई कैन राइट दिस थिंग ऑन पेपर दैट ही विल नॉट नेवर एवर, बिकॉज ही नोज कि अगर वो ऐसा कभी भी करेगा तो जितने सारे भी चीजें जो उसने कमाई है भले ही झूठ झूठ बोल के वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये बात तो मैं लिख के दे सकता हूँ, लिटरली लिख के दे सकता हूँ इस बात को कि ही विल नेवर गो ऑन अ डिबेट। बस पैरोडी वीडियोस ही बना सकता है कि वो डिबेट करा किसी अंधभक्त के साथ। और बहुत सारे लोग जो ध्रुव राठी के बारे में ऐसा सोचते हैं, जैसे ध्रुव राठी जो भी बोलता है वो एकदम सच्चाई सच बोलता है, वो सच्चाई की मूर्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। आंखें खोलो, और अगर आप आंखें नहीं खोलना चाहते हो या आपसे अगर आंखें नहीं खुल रही है तो शायद आप भी अंधभक्त हो, शायद बीजेपी की नहीं बट किसी और पार्टी की या किसी और इंसान की।